रामनवमी में जो होता है धात्री की पूजा होती है, मां के धात्री की पूजा होती है। अभी जो हमने जो भी नौ दिन दरमियान जिस हेतु संकल्प पर जो पूजा किए, अर्चना किए, आराधना किए, उसका जो है हम लोग का जो रिजल्ट जो है परिणाम वह नौवा दिन मिलता है। वह सिद्धात्री के रूप में सिद्धात्री सिद्ध कार सिद्ध होने का आशीर्वाद देती है। उसमें भी कन्याकुमारी को हम लोग पूजन करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, माँ से भी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, गुरु से भी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और जिस कार्य हेतु हमने नवरात्रा किया, गुप्त नवरात्रा, उस कार्य की सिद्धि फल प्राप्त हो, सिद्धि प्राप्त हो, इसके लिए हम लोग उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अपने जीवन जीवन की समस्या को हल करते हैं, और जिससे ये लोग भी ठीक रहे और पर लोग भी ठीक रहे, यह उनसे याचना करते हुए हम लोग उनसे अनुरोध करते हैं कि हे माता, मेरी कामना, मेरी मूल कामना पूर्ण करो।